गुड मॉर्निंग 12th क्लास बच्चे, आज हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन टॉर्क एंड फोर्स। बेटा जो लास्ट टाइम हमने टॉपिक पढ़े हैं, समझना बेटा। ये कह रहा है एक स्क्वायर लूप है बेटा, साइड ए कैरिंग ए करंट आई टू केप्ट एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम इनफिनिटी लॉन्ग वायर कैरिंग ए करंट आई वन। मतलब इसके पास एक लूप रख दिया बेटा जिसके अंदर करंट कितना है आई टू। तो इसका मतलब ये आई टू यहाँ पे बेटा, यहाँ पे भी आई टू आएगा, यहाँ पे भी, तो इसका अंदर I2 करंट मूव कर रहा है बेटा। अब obtain the expression for resultant force acting on loop बेटा, ये बताना है कि ये वायर इस लूप पे कितना resultant force लगाएगी। infinite वायर बेटा, जो infinite वायर है, तो समझना बेटा। आपको ये पता है कि दो करंट कैरिंग वायर अगर कहीं रखी हैं, एक में करंट I1 जा रहा है, एक में I2, अगर उनके बीच का गैप d है बेटा, मैं समझा चुका हूं, तो इनके बीच में फोर्स कितना लगता है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। और याद रखना ये दोनों वायर एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। तो ये इसके ऊपर इधर फोर्स लगाती है, ये इसके ऊपर इधर लगाती है बेटा, यानी कि अट्रैक्ट ईच अदर का आता है। अगर बेटा आपको पता है कि दो वायर ऐसी हो जो एक दूसरे के एंटी पैरेलल जा रही हो, तो या ये वो दोनों वायर एक दूसरे को क्या करती है, रिपेल करती है बेटा, अगर उनके बीच का गैप डी है, करंट I1 I2, लेकिन वैल्यू सेम रहेगी बेटा। ये एफ बाई एल होता है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, यानी कि एक वायर दूसरी की यूनिट लेंथ के ऊपर कितना फोर्स लगाएगी, ये फॉर्मूला आप लोगों को पता है बेटा। अब देखो ये फॉर्मूला यहाँ पे भी मैं यूज कर सकता हूं, देखना बेटा। यानी कि एफ बाई एल का फॉर्मूला हम जानते हैं बेटा, वो होता है म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई डी। सुनना बेटा, अगर यूनिट लेंथ ना दे, ये बोले कि बताओ ये इनफाइनाइट वायर इस पूरी पे कितना फोर्स लगाएगी एडी वायर पे, तो इसका मतलब एफ बाई एल को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बेटा फोर्स कितना लगाएगी आई वन आई टू अपॉन टू पाई डी। अगर लेंथ दे रखी है ना बेटा कि कितनी वायर पे फोर्स निकालना है, तो आप एल से मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा, ये मैं निकाल चुका हूं। अब सुनो न्यूमेरिकल करते हैं बेटा। यहां पे फोर वायर दिख रही है आपको बेटा, फोर, तो हर किसी के ऊपर ये वायर फोर्स लगाएगी आई वन जो इनफिनिटी है बेटा। तो देखो अगर मैं बात करता हूं अलग अलग केस में कि बेटा एडी पे कितना लगेगा, एडी पे तो एडी का फॉर्मूला क्या लगाओगे, म्यू नॉट इसमें करंट आई वन इसमें आई टू, आई टू बेटा अपॉन टू पाई, कितना गैप है इन दोनों के बीच में एक्स बेटा, इस ये वायर इस कंप्लीट के ऊपर फोर्स लगाएगी, तो एल कितना लोगे बताओ, ये एल ए दे रखा है तो ए से मल्टीप्लाई कर दिया लो बेटा, इक्वेशन नंबर वन। अब डायरेक्शन देखते हैं बेटा, ये दोनों वायर एक एंटी पैरेलल जा रही है, तो इसका मतलब जब एंटी पैरेलल जाती है तो वायर फोर्स किधर लगता है, एक दूसरे को रिपेल करती है, तो ये इसके ऊपर फोर्स किधर लगाएगा बताओ, रिपल्सन में लगाएगा इधर बेटा, तो ये एफ इंटू क्या बन गया, एडी। मैं आप लोगों को बता चुका हूं बेटा, एफ इंटू एडी। अब आगे बढ़ते हैं, एफ इंटू बेटा बीसी के ऊपर कितना लगेगा, हर किसी को ऐड करेंगे बेटा, देखो म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई, बेटा बताओ इस वायर से कितनी दूर होगी ये वायर, ए ये है एक्स पहले ये वाली वायर है, तो टोटल कितना बन गया ए प्लस एक्स, लो बेटा ए प्लस एक्स, बहुत बढ़िया। पर यूनिट लेंथ मतलब लेंथ भी कितनी इसकी भी ए है ना, तो ये भी ए बेटा ए से मल्टीप्लाई होगा बेटा। अब डायरेक्शन देखो, ये दोनों वायर एक दूसरे को क्या जा रहे हैं, पैरेलल, तो एक दूसरे को क्या करेंगे बताओ, अट्रैक्ट करेंगे, तो इसका मतलब ये वायर इस वायर को अट्रैक्ट करेगी, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, तो ये बीसी पे लगने वाला फोर्स, समझ रहा बेटा, ये इस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स और ये इस डायरेक्शन में लगेगा। इसको इसको इक्वेशन नंबर टू दे दो बेटा, लो यानी कि अट्रैक्शन में ये रिपल्सन में बेटा, ये क्या है बताओ बीसी, ये क्या है बताओ एडी, इस डायरेक्शन में बेटा, तो ये दोनों एरो देख लेना। अब बात करते हैं एबी पे कितना लगेगा बेटा, क्योंकि सबके सबको ऐड तो करना है हमें। अब एडी पे फोर्स किधर लगेगा, चेक करो बेटा, इस वायर की वजह से एबी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड किधर है बताओ, इनवर्ड, क्या है बताओ इनवर्ड, समझना बेटा इनवर्ड, करंट को कैच करने की ट्राई करो, कैच करने की ट्राई करो बाय यूजिंग मैक्सवेल राइट एंड थंब रूल बेटा, करंट को कैच करने की ट्राई करो, फिंगर जिधर कर्ल करेंगे ना वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन है, तो इसका मतलब देखो बेटा थंब ऊपर इस वायर को कैच करो, तो इसका मतलब यहां मैग्नेटिक फील्ड किधर जाना चाहिए, अंदर, देख लो बेटा अंदर जाएगा, और फोर्स होता है एल क्रॉस बी, तो बताओ एल को बी के डायरेक्शन में जब रोटेट करोगे तो एल क्रॉस बी, एल इधर बी अंदर बेटा, तो क्या बनेगा बताओ, जल्दी बताओ, इसका ये से बन जाएगा बेटा, एल तो इधर और बी अंदर, तो आप बताओ एल क्रॉस बी
तो क्या बनेगा बताओ, दोनों मार्कर देखो बेटा, एल क्रॉस बी, तो बताओ थंब किधर आया, नीचे, तो इसका मतलब इसके ऊपर फोर्स नीचे लगेगा। चेक कर लो बेटा, चाहे ए बी एफ इंटू ए बी बेटा, अब उतना ही फोर्स किधर लगेगा। अब मैं बात करूं डीसी पे, तो डीसी पे फोर्स किधर लगेगा बताओ, सेम रूल लगा के ऊपर लगेगा, देखना बेटा एफ इंटू डीसी, ध्यान से देखो बेटा, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे बेटा, ऑपोजिट है और इक्वल है दोनों बेटा, इक्वल डिस्टेंस है ना, तो इसका मतलब इस वायर के ऊपर तो कहीं भी लूं बेटा, अगर यहां मान लूंगा तो इसका यहां मान लूंगा, यहां पे तो इसका यहां पे, तो एक दूसरे को फोर्स कैंसिल आउट करते जाएंगे, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट है दोनों के बेटा, तो इसका मतलब नेट फोर्स ए बी की वजह से जो लगेगा बेटा, ए बी इज इक्वल टू माइनस क्या है, एफ इंटू डी सी, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे बेटा, और कोई इसकी इंपोर्टेंस नहीं है, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे बेटा, एक तो लगेगा अपवर्ड, लो एरो दिखा देता हूं, एक डाउनवर्ड बेटा, लो एक दूसरे को कैंसिल करके। अब बात करते हैं बेटा कि नेट फोर्स क्या, इनका भी जीरो होगा, देखो बेटा नो इनका जीरो नहीं है, ऊपर ए ए नीचे एक्स, यहाँ पे ए प्लस एक्स बेटा, तो इसका मतलब नेट फोर्स लगेगा या तो राइट लेके जाएगा या इसको लेफ्ट लेके, ऊपर नीचे तो ले जा नहीं सकता बेटा, क्योंकि इक्वल फोर्स है, इक्वल एंड अपोजिट है, जो एडी पे लगेगा वो ऊपर लग रहा है, एबी पे किधर लग रहा है, नीचे, तो इसका मतलब ये तो बैलेंस कर लेंगे बेटा, लेकिन इस डायरेक्शन में बैलेंसिंग नहीं है, इस डायरेक्शन में बैलेंसिंग नहीं है बेटा, तो इसका मतलब आप बता सकते हो नेट फोर्स का फॉर्मूला, सब जानते हैं नेट फोर्स की वैल्यू कैसे निकालोगे। देखो बेटा अगर मैं नेट फोर्स निकालूं यहां पे, तो जो रिजल्ट कितना आएगा बताओ, एफ नेट, अब ये देखो बेटा इसमें बड़ा कौन सा है, देखो ये प्लस एक्स ये एक्स, तो इसका ये बड़ा ये छोटा, तो क्या करोगे बताओ, ए डी में से बेटा एफ बी सी को माइनस करो, देखो लेन अपोजिट है ना बेटा, तो ये दोनों को डायरेक्ट क्या करो माइनस, दो वेक्टर है ना, दो वेक्टर अगर ऑपोजिट है तो दोनों का आपस में क्या करते हैं माइनस बेटा, अब देखो ये और ये इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या बन गया, म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई एक्स ए माइनस म्यू नॉट आई वन आई टू ए अपॉन टू पाई ए प्लस एक्स बेटा, लो नीचे छोटा है तो इसका मतलब बड़ा है तो छोटी वैल्यू है, कॉन्स्टेंट ले लो बेटा, कुछ चीजें कॉन्स्टेंट आ गई यहाँ पे, I1, I2, A upon 2 pi तो constant ही है, अंदर यहाँ पे बच गया 1 by x और यहाँ पे बच गया 1 upon में A plus x, देखते चलना बेटा, result क्या बन गया यहाँ पे, net force दो निकल के आएगा, निकल के आया बेटा A plus x, यहाँ पे common ले लिया x into A plus x, तो देखो यहाँ तो A plus x आ गया बेटा, यहाँ पे minus x, x x क्या होगा बताओ, cancel, तो आप बता सकते हो net force कितना आया बेटा, जल्दी देखो, mu not I1, I2 ए ये ए ये बाहर ले रखा है बेटा, दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ए का स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू ए प्लस ए एक्स बेटा, तो आप ये इस बात को याद रख सकते हो कि ये आपका आंसर है बेटा नेट फोर्स। अब नेट फोर्स की डायरेक्शन बताओ किधर होगी, बताओ नेट फोर्स की डायरेक्शन, ये बड़ा कौन सा एडी, एडी क्या कर रहा है उसको रिपेल, और ये क्या छोटा बेटा जो अट्रैक्शन वाला है बीसी, तो इसका मतलब ये नेट लूप क्या होगा बताओ, ये नेट लूप रिपेल होगा बेटा इस डायरेक्शन के अंदर, तो आप दिखा देना कि ये रिपल्सन है बेटा, यानी कि रिपेल रिपल्सन होगा इस डायरेक्शन के अंदर, तो ये लूप को ये वायर रिपेल करेगी बेटा, तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाएंगे, तो आप समझना इसमें इंपॉर्टेंट है ए बी और डीसी को क्यों जीरो बैलेंस किया बेटा, क्योंकि हर पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे है, यहां पॉइंट मानूंगा तो इसका यहां मान लूंगा, यहां पे आप डीएल क्रॉस आर वाला फॉर्मूला लगाओगे, इस पे फोर्स ऊपर लग रहा होगा, इस पे फोर्स नीचे लग रहा होगा, तो इसका मतलब दो अपोजिट फोर्स इक्वल होंगे ना, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल आउट करेंगे, लेकिन ये फोर्स इक्वल नहीं है, ये फोर्स रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, तो इसका मतलब इस कंडीशन में आपको ये बातें याद रहनी चाहिए बेटा कि अट्रैक्शन रिपल्सन वाला केस किस तरह से सोल्व कर सकते हो, क्लियर है बेटा। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है, देखो बेटा यहाँ पे क्या है, ये बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल है, कह रहा है टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर एक्स एंड वाई सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर इन एयर कैरिंग ए करंट ऑफ 10 एम्पियर एंड 5 एम्पियर बेटा, ऑपोजिट है तो डायरेक्शन समझ गए होगे, रिपेल इच अदर बेटा, ये इसको इधर रिपेल कर रहा होगा, ये इसको इधर रिपेल कर रहा होगा, इन ऑपोजिट डायरेक्शन, कैलकुलेट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन 20 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर वाई, ये कह रहा है अगर बेटा 20 सेंटीमीटर लेंथ के ऊपर वाई की तो 20 सेंटीमीटर है बेटा, ये इनफाइनाइट वायर है बेटा, लॉन्ग मतलब इनफाइनाइट है, बताओ बेटा
इसकी 20 सेंटीमीटर पार्ट के ऊपर, ये 20 सेंटीमीटर यहां तक की डिस्टेंस मान ली बेटा, कि इसके 20 सेंटीमीटर के ऊपर ये वायर कितना फोर्स लगाएगी, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन बतानी है। समझना बेटा, बिल्कुल इजी है, कर सकते हो आप। डायरेक्शन तो एकदम बताओ आप, ये इसको क्या करेगी बताओ, रिपेल तो डायरेक्शन तो बताओ, ये रिपल्सन बेटा, लो रिपल्सन, ऑपोजिट है ना, रिपल्सन, लो बेटा बात खत्म, रिपल्सन। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला एफ वाई पे लगाना है ना, पर यूनिट लेंथ क्या होता है, म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई डी बेटा, लो टू पाई डी। अगर बेटा ये इसकी 20 सेंटीमीटर पर लगाता है तो इसका मतलब एफ वाई कितना लगेगा बताओ, म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई डी, और इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो मतलब वाई के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इतना लगेगा बेटा, एल लेंथ है तो वाई की, एल कितनी दे रखी है 20, तो इसका मतलब म्यू नॉट I1 I2 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 2 पाई डी, डी कितना दे रखा है बताओ बेटा, दोनों वायर के बीच में 5 सेंटीमीटर, तो 100 मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको नहीं पता हो बेटा, ये सारी चीजें, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, I1 कितना है 10, I2 कितना है 5 इंटू 2 इंटू 10 रेज टू पावर 3 अपॉन, ये हो गया बेटा 5, कुछ भी नहीं है बेटा, आप कर सकते हो। अब देखो 5 से 5 क्या होगा, कैंसिल, ये 10 रेस टू पावर 4 बन गया बेटा, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया बेटा, तो म्यू नॉट इनटू 10 रेस टू पावर 4 अपॉन पाई, बस बेटा म्यू नॉट की वैल्यू पुट कर लो, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है बताओ, 4 पाई इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 7 इंटू 10 की पावर 4 इंटू पाई, पाई से पाई कैंसिल बेटा, तो फोर्स एक्टिंग ऑन 20 सेंटीमीटर पे कितना आ गया बताओ, ये रिजल्ट आ गया बेटा 4 इंटू 10 रेज टू पावर 4, तो प्लस के बेटा 7 माइनस के, तो माइनस का 3 न्यूटन, मतलब ये 20 सेंटीमीटर वायर के ऊपर जो एक्स जो फोर्स लगाएगा वो रिपल्सन में होगा, या एरो भी लगा दो बेटा इस डायरेक्शन में होगा, और मैग्नीट्यूड क्या होगा बताओ, ये होगा बेटा। ये इस तरह के न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ के जो न्यूमेरिकल्स हैं बेटा, ये डिटेल्ड आप लोग डिस्कस करोगे, आप न्यूमेरिकल्स निकाल लेना इससे रिलेटेड जो भी है बेटा, क्लियर है, थैंक यू सो मच।